देखिए, धान की जो फसल है, अगर हम पहले के परिदृश्य में देखेंगे तो हम लोग कहते थे कि रोहिणी नक्षत्र में बीज का डालना जो है बहुत ही उत्तम होता है, जो कि करीब 25 मई के आसपास होता है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गईं, बहुत सारे पेड़ कट गए, क्लाइमेट का बदलाव हुआ, मौसम में बदलाव हुआ, तो इस बदलाव को देखते हुए हमारे किसान भाई और हम लोग भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है जब तक पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक जो है धान की नर्सरी वही किसान डालें जिनके पास पानी की व्यवस्था है, क्योंकि नर्सरी का उपयुक्त समय तो 25 मई है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो गया है तो इसमें अगर आप 7-8 जून से लेकर के 20 जून के अंदर तक नर्सरी डालते हैं तो कोई उसमें उसके गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती है। बस ध्यान ये देखना है कि प्रजाति कितने दिन की है। अगर लंबी अवधि की प्रजाति है तब तो उसका नर्सरी हमें जो है 5 जून 7 जून तक डाल देना चाहिए। इवन हमको अगर मई में भी डालते हैं, 25 मई को भी डालते हैं, तो पानी का समुचित प्रबंध रहे जिससे कि पानी को हम बदलते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर चला गया, तो धान की छोटी छोटी पत्तियाँ जो है बिल्कुल जो शिशु अवस्था में रहती हैं वो जलने लगती हैं, पीला पड़ने लगती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में पानी का बदलना करीब 1 दिन के अंतराल पर या रोज़ पानी अगर बदला जाए संभव है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम 1 दिन के अंतराल पर पानी को बदलते रहना चाहिए जिससे मिट्टी को गर्म पानी नहीं मिले, जिससे कि पौधा जो है ठंडा पानी अवशोषित करके अपने पौध का जो है विकास करे जो है, तो इस बात को जो है ध्यान में रखना होता है जो है। तो लंबी अवधि की जो प्रजाति है उनका तो हम 25 मई से 7 जून के बीच में कहते हैं, लेकिन जो मध्यम अवधि की है तो हम अगर 7 जून से लेकर के 10 जून तक भी डालते हैं तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, कोई गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी। और वहीं पर जो कम दिन की प्रजाति हैं, जिन किसानों को आलू लगाना है या सब्जी लगाना है, तो वो जो है अपने खेत के मुताबिक पहले भी डाल सकते हैं नर्सरी, यानी कि 1 जून से लेकर के 15-16 जून के बीच तक अगर नर्सरी डालते हैं तो अच्छा रहता है जो है, 20 दिन की प्रजाति रहेगी। तो अपना समय से जो है अक्टूबर में धान की जो है कटाई हो जाएगी, और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से प्रथम सप्ताह जो नवंबर का है उसमें वो सब्जियों की बुआई कर लेंगे जो है। जी सर, सबसे अच्छी फसल जो है देखा जाए तो कौन सा माना जाता है, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम का जो है? देखिए, बहुत दिनों से जो आज की आप धान की पैदावार देख रहे हैं, अब ये चंदौली ज़िले में और गाजीपुर जनपद में, मऊ के कुछ पार्ट में, बिहार को पूरे लिए हुए जो नाटी मंसूरी है, M2702-9 जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका एक विकल्प जो है स्वर्णा सगवन भी है। धान वही है, केवल एक सगवन जीन डाल दिया गया है, उसे गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है। तो ये दोनों प्रजाति लंबी अवधि की हैं और इसका औसतन उपज किसानों के खेत पर 60 से लेकर के 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। कोई के किसान तो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेते हैं। तो सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है जो है कि अगर जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पे अक्टूबर तक पानी मिलते रहे पौधे को, तो वहाँ पर जो है हम लोग प्रेफर करते हैं कि M2702-9 नाटी मंसूरी या स्वर्णा सगवन की खेती करें। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी प्रजाति को आप देखेंगे एरिया के हिसाब से, तो BPT-5204 है, इसका एक नया वर्जन आ गया है जिसको बोलते हैं इम्प्रूव सांभा, ये BPT-5204 ही है, इसको इम्प्रूव कर दिया गया है। इसमें जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जीन जो है डाल दिया गया है जिससे कि रोग ये नहीं लगता है इसमें, और इसकी गुणवत्ता बढ़ गई है, और इसमें सगवन जीन भी डाल दिया गया है। तो ये दोनों जीन डालने से इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है। इसका चावल जो है बहुत स्वादिष्ट एवं मुलायम होता है और बहुत पहले से किसान इसको करते आ रहे हैं। ये दोनों प्रजाति आज भी किसानों के खेत पर राज करती है। लेकिन हम वहीं जब बात करेंगे मिर्ज़ापुर जनपद की, सोनभद्र जनपद की, या फिर जो है जौनपुर, जहाँ पर कि कम पानी का साधन है, तो यहाँ पर जो कम दिन की प्रजाति है जैसे बीना 11 है, ये बीना 11 जो है करीब 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। सहभागी धान है, वो भी करीब 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। DRR 44 है, DRR 50 है, तो ये सब जो है कम दिन की, कम अवधि की प्रजाति हैं। वहीं पर आप अगर थोड़ा सा जाएंगे गुणवत्ता वाला चावल के लिए, तो मालवी सुगंध धान 1 है जिसको बोलते हैं खुशबू के नाम से कहीं कहीं जाना जाता है, HUBR 2-1 उसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, लेकिन मालवी सुगंध धान 1 है। तो ये सब प्रजाति जो है आपको 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका औसतन उपज भी किसानों को जो है करीब करीब जो है 45 से 50 क्विंटल तक मिल जाता है,
और कहीं कहीं 40 क्विंटल भी मिलता है। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे तो ये तीनों प्रजातियाँ जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन वहीं आप अर्ली ड्यूरेशन में आ जाइए, नरेल 97 है, HUR 30-22 है, जो कि करीब 115 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। तो ये सब प्रजाति जो है, हमारे कहने का मतलब कि किसान खुद एक वैज्ञानिक है, वो देखता है कि हमारा खेत किस तरह का है और कैसा प्रजाति लगाएं कि जो कि हमें अक्टूबर में खेत खाली हो जाए, नवंबर में खेत खाली हो जाए। तो इस समय जो प्रजातियां हैं, जो धान की प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां मार्केट में आ गई हैं, बहुत सारे जो है आपको जो सरकारी तंत्र और गैर सरकारी तंत्र जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सारे प्रभेद आज ब्लॉक पर उपलब्ध हैं। और बस किसानों को उसमें कम एरिया में लगा करके देखना है कि कौन सी प्रजाति जो है अच्छी कर रही हैं, फिर उस प्रजाति को लेकर के बड़े पैमाने पर लगाना चाहिए। क्योंकि पहले हमको देखना है कि हमारे लिए उपयुक्त वेरायटी कौन है। हम सुनते तो हैं कि ये उपयुक्त वेरायटी है, लेकिन हमारे खेत पर वो उसी कैसी जो है पैदावार हो रही है, तो हमको देखने के लिए कम एरिया में लगाना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे बिना 11 है, सहभागी धान है, DRR 44 है, DRR 50 है, ये सब प्रजाति जो है बहुत अच्छी प्रजाति है, उम्दा प्रजाति मानी जाएगी आज के डेट में, जहाँ पर कि कम पानी और वर्षाधीन खेती हो। लेकिन वहीं पर मैंने कहा कि जहाँ पर पानी वाला एरिया है, नाटी मंसूरी है और स्वर्णा 51 है, BPT 5204 है। मध्यम प्रजाति की बात जब हम करते हैं तो HUR 105 धान है जो है, जिसको बोलते हैं मालवी धान 105 है, HUR 917 है, जो कि 130-135 दिन पक के तैयार हो जाती है, संपदा है। तो ये सब प्रजाति जो है बहुत ज़्यादा प्रजाति आज के डेट में मार्केट में आ गई हैं। अब तो जो है जिंक युक्त भी प्रजाति आ गई है जो है। तो हमको ये देखना होता है कि हमारा खेत क्या बोल रहा है। अभी जो है कहीं कहीं किसान हमारे तेलंगाना सोना भी लगाए थे, और मैंने खुद अपने फार्म पर भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट ग्रुप में लगाया था, तो मैंने देखा कि ये भी जो है प्रजाति जो है काफ़ी अच्छी कर सकती है। अब इस एरिया के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं है वो एक अलग बात है, अगर हम उसको सीड चेंज में ले जाते हैं तब। लेकिन किसान पैदावार के लिए अपने जो है अगर सोर्स समझता है कि नहीं अच्छे सोर्स से, अच्छे जगह से मिल रहा है, तो इन सब प्रजातियों को जो है लगा सकता है। और लगाने के बाद जो है निश्चित रूप से किसानों को जो है शुद्ध लाभ जो है अच्छा मिलेगा। इस समय गर्मी इतना पड़ रही है कि 48 डिग्री तक जो है टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और धान एक ऐसा फसल है कि इसको पानी जो है बराबर चाहिए और पानी जो है ठंडा हो। हमने कहा कि जैसे ही 2-3 सेंटीमीटर पानी खेत में लगा रहेगा, पूरा पानी गर्म हो जाएगा जो है। तो किसान करते क्या है कि जब इसकी रोपाई करते हैं तो उसी एरिया में करते हैं जहाँ पर कि समुचित पानी का साधन हो और पानी हमेशा खेत में जो है बना रहे, लगा रहे, जिससे कि पौधा का विकास जो है निश्चित रूप से जो है अच्छे तरीके से हो। उसमें खाद का भी वो संतुलित व्यवहार करते हैं। तो इसमें जो देखभाल की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल शिशु अवस्था है। इसमें बहुत ही रोज़ रोज़ किसान जाते हैं खेत पर और देखते हैं जो है, बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है कि उसमें किसी तरह की कीड़ा नहीं लग जाए, किस तरह की पानी की कमी नहीं हो जाए। क्योंकि ये अगर हमारा मेन पूंजी यही है, सांडा ही है, अगर सांडा नष्ट हो गया तो फिर हम ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाएंगे जो है। तो इसका जैसे नर्सरी में देखभाल करते हैं, वैसे ही इसके देखभाल हम हमारे किसान जो है करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह देखते हैं। सर, इसमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, देसी या जो बाज़ारों में उपलब्ध है, यूरिया पोटाश? देखिए, हम लोग तो नर्सरी के लिए कहते हैं कि थोड़ा एरिया में लगाना है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद कंपोस्ट का व्यवहार करें। लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर आप खेती करने जा रहे हैं तो आप जो है हरी खाद का जो है प्रयोग करें, ढैंचा का, सनई का। ये सब करने से क्या है कि जब मिट्टी की हमारे स्वास्थ्य बनी रहेगी, तो मिट्टी हमारी धरोहर है। ये मिट्टी हमने कहीं से ख़रीदा नहीं है, हमारे पूर्वज ने इसको दिया है कि आप इसको देखो भाई, आने वाले जनरेशन जब हम नहीं रहेंगे तो आने वाले जनरेशन देखेंगे। तो ये मिट्टी जो है परमानेंट चीज़ है, एक धरोहर है, एक पूंजी है किसानों की। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो पाए कि आने वाला जनरेशन हमारी जो भुखमरी से मरे कि उसमें कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। तो मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हरी खाद का प्रयोग, कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हर किसान इसको नहीं कर सकते हैं, जहाँ पानी का साधन नहीं कर सकते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल तो अब बैल से खेती हो नहीं रही है, लोग गाय ही रख रहे हैं। तो गाय भी, मैं तो कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया जो है डेयरी वालों को कि ये डेयरी वाले बहुत सुगमता से जो है दूध ले जाते हैं, अच्छे प्राइस पर ले जा रहे हैं। तो इससे लोगों ने जो है कम से कम 8-10 गाय रख करके जो है अपना भरण पोषण भी कर रहे हैं, उससे कंपोस्ट मिल रहा है, गोबर की खाद मिल रहा है। तो ये अगर गोबर की खाद आप डालते रहें, थोड़ा बहुत डालते रहें, हरी खाद का प्रयोग करते रहें, फिर रासायनिक फर्टिलाइज़र का भी, यूरिया का, संरचना जो है हमेशा जो है बनी रहेगी जो है।
मिट्टी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और रहा कि कितना मात्रा व्यवहार करना चाहिए, तो पहले तो हमको मिट्टी की सेहत की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें किस तत्व की कमी है, और उसी तत्व पर हमको फोकस करना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी है तो हमको नाइट्रोजन वाली यूरिया जो है खाद देने की ज़रूरत है, और अगर ज़्यादा कमी है तो हम कितना उसको बढ़ा करके देंगे वो पूरा हो जाए। फास्फोरस की कमी है तो हमको पहले अपने मिट्टी की सेहत की जांच करानी चाहिए, और मृदा जांच के बाद ही जो है हमको फर्टिलाइज़र का व्यवहार करना चाहिए। किसान बहुत जागरूक हो गए हैं आज के डेट में, अब वो अपने जो बीमा पॉलिसी है, जो मिट्टी की जांच है, ये सब करा रहे हैं। बहुत तेज़ी से प्रचलन बढ़ा है, जो कि हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और बिहार के पार्ट में बड़ी कमी थी इसकी, वह लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये निश्चित रूप से जो है आप मिट्टी का जांच करा करके ही खाद का व्यवहार करें। अगर कंपोस्ट और हरी खाद प्रयोग करते हैं तो ये मिट्टी की सेहत को बनाए रखता है, आने वाले भावी पीढ़ी को जो है हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, जो अभी ट्रांसप्लांटिंग लोग कर रहे हैं, एक्चुअली ये सांडा के लिए कर रहे हैं। ये प्रजाति हो सकता है कि 130 दिन की प्रजाति हो, या M27029 मैंने कहा नाटी मंसूरी ही हो, या कम दिन की प्रजाति हो। तो सांडा का मतलब ये होता है कि कम एरिया में ये जो है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं बहुत घने रूप में, और उस ट्रांसप्लांटिंग को किए हुए, जैसे मान लीजिए कि आज ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, ये ट्रांसप्लांटिंग का समय नहीं है, ये सांडा के लिए ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। अब इसको जो है जैसे ही ये 10 से 15 दिन 15-20 दिन के बाद जैसे ही बारिश होगा, पानी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, नहर में पानी आ जाएगा, पंप सेट का जो है लेवल भी ऊपर बढ़ जाएगा, जो है नलकूप का पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जो है जब पानी की प्रचुर मात्रा और क्लाइमेट, देखिए धान के लिए बहुत क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए कि बारिश हो और धूप भी रहे, तो ये सब जैसे ही आएगा, ये सब जो करीब करीब जो आपको 20 जून के आसपास जो है 20 से लेकर के 30 जून के बीच में ऐसा मौसम बना रहेगा। अब इसी मौसम में ये जो आज रोपाई कर रहे हैं या 10 दिन पहले रोपाई किए हैं सांडा के लिए, उसको उखाड़ करके अब ये अपने मेन खेत में रोपाई करेंगे। पहले ये नर्सरी डालें, नर्सरी से जो है सांडा की रोपाई किए कम खेत में घना में जो है, और वो एक एक धान फिर लगाते जाएंगे। इसमें जो है बालियाँ बड़ी छाट के आती है, बड़ी लंबी होती है, जड़ भी बड़ा पुष्ट रहता है। तो ये एक सांडा विधि जो है बहुत ये हमारे जो है फोर फादर के ज़माने से चली आ रही है। मैं पहले ही कहा कि किसान खुद वैज्ञानिक हैं, बस वो साइंस नहीं समझते हैं कि ये किस रीजन से हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि ये करने से हमें ये फ़ायदा होगा, तो सांडा की खेती करते हैं। जो है ये सांडा के लिए रोपाई हो रहा है अभी इस समय, जो आज के डेट में आप रोपाई देख रहे हैं कि 15 जून को रोपाई हो रहा है, 10 जून को रोपाई हुआ है, 1 जून को रोपाई हुआ है, ये सब सांडा के लिए रोपाई हुआ है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।